जय गो माता, जय शिव शंकर। श्रावण महीना है। श्रावण महीने में शास्त्रों के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, वे व्यवहारिक जगत के अनुसार कुछ चीजों का निषेध किया गया है। आइए सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे भगवान भोलेनाथ के दरबार में कि श्रावण महीने में दूध पीना जहर है। श्रावण महीने में दूध पीना जहर है, क्यों? श्रावण महीने में प्रकृति की हरी वनस्पतियों के अंदर वात तत्व की वृद्धि होती है, आयुर्वेद कहता है। और श्रावण महीने में गाय माता ज्यादातर हरी घास जीवती है। वात जनित घास खाने से उनके दूध में वात तत्व की वृद्धि होती है और वही वात वाला दूध हम पीते हैं तो हमारे शरीर में वात तत्व बढ़ता है और उस वात तत्व की वृद्धि के कारण हमारे घुटने खराब होते, जॉइंट पेन्स, संधि रोग, जॉइंट की बीमारियां होती हैं और हमारे मस्तिष्क पे, बुद्धि पे बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि श्रावण महीने में जहर होता है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि श्रावण का दूध भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाओ। क्यों? माखन मिश्री का भोग जब भगवान कृष्ण कन्या के लगता है तो जहर वाला दूध भगवान भोलेनाथ को क्यों पिलाते? क्योंकि आकड़ा भांग दतुरा भगवान भोलेनाथ पचाते। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत निकला, देवताओं ने पिया, मगर जब जहर निकला तो भगवान नीलकंठ भोलेनाथ ने पिया। इसलिए जहर को पचाने की ताकत भगवान भोलेनाथ में है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि श्रावण का सारा दूध भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। जब शिव जी के ऊपर सारा दूध हम चढ़ा देंगे श्रावण माह का, हमारे घर पे दूध रहेगा नहीं तो हम घर पे दूध पिएंगे नहीं। श्रावण में दूध नहीं पिएंगे तो वात से उत्पन्न होने वाली कई सारी बीमारी हमको नहीं होगी। इसलिए हमें श्रावण महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। दूसरा ये है कि श्रावण महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे अशुद्ध माना गया है और विज्ञान भी कहता है कि श्रावण महीने में बैंगन के अंदर कई सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी श्रावण में बैंगन चढ़ाया जाता है, इस नाते से भी हमें श्रावण में बैंगन का निषेध बताया गया। इसलिए श्रावण में हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। और बात करें तो श्रावण महीने में हरी सब्जी भी निषेध बताई है, क्योंकि श्रावण महीने में इन चीजों का त्याग करके व्रत उपवास करना चाहिए और श्रावण स्नान करना चाहिए, ऐसा धार्मिक मान्यता है। और विज्ञान के अनुसार देखें तो विज्ञान ये कहता है कि श्रावण महीने में हरी सब्जियों के अंदर कई सारे बैक्टीरिया कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारी कई सारी भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं, जिससे पेट की व चर्म रोग की बीमारियां ज्यादा होती श्रावण में हरी सब्जी खाने से। इसलिए श्रावण में हरी सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। जय गो माता, जय गोपाल।